नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करने पहुंचे। इसके बाद शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम योगी विक्टोरिया पार्क भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओधरनाथ की धरती को नमन करता हूं, वहीं सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। ये वर्ष महत्वपूर्ण है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। वही हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरठ की क्रांति धारा अमृत महोत्सव से सीधे जोड़ती है। आज भी जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उनके मंसूबों को तोड़ना होगा। वर्तमान के राज पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। उन लोगों से सावधान रहिए जो अब भी साजिश रच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। अजय मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। वो राघवेंद्र सिंह का स्थान लेंगे। योगी सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक के दौरान मुहर लगाई। सरकार ने अपनी 103/6 माह 1 वर्ष के कार्यकाल का लक्ष्य बनाकर कार्य योजना तैयार की। इन्हीं कार्यों को कैबिनेट में हरी झंडी मिलती है। सीएम योगी के मेरठ रवाना होने से पहले लोकभवन में ये कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान इसी माह विधानसभा सत्र बुलाए जाने समेत कई अहम प्रस्ताव रखे गए। बैठक में ज्यादातर वो प्रस्ताव ही रखे गए जो भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में रखे थे। सीएम योगी चाहते हैं कि 2024 से पहले ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाए, लिहाजा तेजी के साथ तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। ओलंपिक एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को वरीयता भी मिलेगी और ऐसे में यूपी के 9 विभागों की सीधी नियुक्ति भी की जाएगी। इसमें ये जो छोटे हवाई अड्डे हैं, इसको खास तौर से बढ़ावा देने के लिए इस पर पैसेंजर्स जो है बाकायदा लोग जो है रुचि लेकर हवाई जहाज के माध्यम से चले, इसलिए इन 7 हवाई अड्डों के पांचों हवाई अड्डों के संबंध में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक समझौता हुआ उत्तर प्रदेश के में, और उसके तहत लगभग 7 करोड़ रुपया पर ईयर हमको उनको देना पड़ेगा ताकि ठीक प्रकार जी 7 करोड़ रुपए पर हवाई अड्डा लगभग 35 करोड़। इस प्रकार का एक MOU 36 साल के लिए हमने मंजूरी दी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में नए एडवोकेट जनरल की भी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश में 1995 से रहे हैं। 1981 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और अपने जमाने के ये यंगेस्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल थे स्टेट ऑफ यूपी 1995। 9 विभागों के 24 पद है, उसमें जो नियुक्तियां की जानी उसके विचार उसमें एक बात और जोड़ी गई है, पैरालंपिक्स जो खेल में भी लोग होंगे विजेता होंगे उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पैरालंपिक्स मतलब होगी दिव्यांग जन जो ऐसे होंगे उनको भी सम्मिलित किया गया इसमें जो है कि वो भी जो ऐसे जीत कर आए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इससे एक तो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन होगा और युवा लोग इससे जुड़ेंगे भी और लोगों पे एक आशा भी बनेगी कि हम इस सरकारी सेवा में जा सकते हैं। विभिन्न मंडलों में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे मंत्रिमंडल को रिपोर्ट दी है और बहुत संतोषजनक बहुत अच्छा परिणाम आया।